हमके भोजपुरी बतियावे के ना आवेला, आ जाई सिखा दी हमके। हम इहे कहब के भोजपुरी के मान सम्मान राखे में और बढ़ावे में हमहू तनिका कोशिश कईनी हम, तो इहे चाहब कि आप सबके खूब आशीर्वाद मिलत रही और हम कर्नाटक से होकला के बाद भी आप सबके इतना प्यार पवनी हम कि हम कहाँ करें, करेजा गदगद हो गए लो। इहे चाहता नहीं कि आप सब, कौन वाला गाना, जाया ये मालम काल को तवाली, जब जाया ये मालम दिले आई हो चेन वाला, कवन वाला दिले आई हो चेन वाला, हसाया काहे से डोरी वाला पहिरत मन, डोरी वाला पहिरत मन, अघाया ए बोलो ले ले होई हो चेन वाला, हसाया ए तो चार लोग उधर से निकल भी गए लाने के लिए। पाकी जी से रिक्वेस्ट है कि अपने हाथों से कलाश्री सम्मान फिल्म अभिनेत्री पूनम जी को दें। पूनम जी से रिक्वेस्ट है कि पूनम जी मंच पर। इनके सभी गाने अच्छे हैं। पाकी पाकी जी, बहुत खुशी हो रही है बेस्ट परफॉर्मर का अवार्ड लेना, दशक का बेस्ट परफॉर्मर का अवार्ड आज मुझे मिला है, और एक एक्टर के लिए इससे ज़्यादा खुशी हो नहीं सकती है जब उसके परफॉर्मेंस को नवाजा जाता है और उसका सम्मान किया जाता है उसे एक छोटा सा प्रतीक दे के अवार्ड के रूप में, और हम कितना भी कुछ भी कमा लें लेकिन ये जो कमाई होती है वो सबके ऊपर की है, क्योंकि ये प्योर ऑडियंस का प्यार है जिस वजह से आप डिमांड में होते हो, और उसके वजह से ही आपको ये अवार्ड मिलता है। अभी तक बहुत सारे अवार्ड्स, बेस्ट पॉपुलर अवार्ड्स मिले हैं, बेस्ट परफॉर्मर का अवार्ड मुझे 2009-2010 में मिला था और उसके बाद में अब मिल रहा है, तो बहुत खुशी हो रही है। थैंक यू सो मच। मैं यही कहूँगी कि पैदा मैं हुई हूँ मुंबई में, बेसिक मेरा जन्म स्थान है कर्नाटक, और पढ़ाई लिखाई हुई है मेरी मराठी में, और कर्म स्थान से मैं हूँ अभी भोजपुरी। तो मैं यही कहूँगी कि बहुत सारे रंग मुझ में हैं और इन्हीं रंगों को मैं बिखेरती हूँ अपने परफॉर्मेंस के थ्रू, कोशिश करती हूँ कि बहुत अच्छा करूँ, और लोगों को, जो लोग एज एन एक्टर मुझे देखना चाहते हैं वही मैं डिलीवर करूँ, और वही कोशिश मैं हमेशा करती रहूँगी, और ऐसे ही खूब सारे अवार्ड्स लेती रहूँगी। बहुत अच्छा लगा कि बेस्ट परफॉर्मर का अवार्ड मिला आज, सो आई एम वेरी हैप्पी। मुझे लगता है कि बहुत बार जब अवार्ड्स होते हैं तो ऐसी गलतियाँ हो जाती हैं कि कई लोग छूट जाते हैं। मैं यही कहूँगी कि मेरे लिए हर एक्टर, नहीं ऐसा नहीं, उनकी व्यस्तता होगी जिस वजह से उनको, अदरवाइज़ मुझे लगता है कि सभी को बुलाया गया है और सभी को सम्मान दिया गया है। मैं यही चाहूँगी कि मेरी नज़र में अगर
कभी सम्मान समारोह की बात होती है तो मेरी नज़र में हर एक्टर अवार्ड के लायक होता है, क्योंकि वो अपने परफॉर्मेंस में अपनी जान डाल के लोगों तक अपना लोगों का मनोरंजन करता है, और ये किसी एक का अवार्ड नहीं हो सकता है, ये पूरी टीम का अवार्ड हो सकता है। जब एक पिक्चर हिट होती है तो उस पिक्चर में छोटी सी छोटी चीज़ें, स्पॉट बॉय से लेके टेक्नीशियन, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर तक का हर एक बंदा उसमें इन्वॉल्व होता है और हर एक की मेहनत उसमें होती है। तो ये अवार्ड अगर एक किसी को देते हैं तो उसके वो प्रतीक मात्र होता है। आज अगर मुझे अवार्ड मिलता है बेस्ट परफॉर्मर का, दशक का, तो उसके पीछे 10 साल में मैंने जिन जिन के साथ में काम किया है उसमें हर एक इंसान जो टेक्नीशियन जो उसमें बिजी रहा है, हर एक का दायित्व है वो। सो मैं यही चाहूँगी कि हर एक को ये अवार्ड मिला है, ना कि मुझे, और मैं यही चाहती हूँ कि किसी एक को नवाज के दूसरों को दुखी करने का कोई मतलब नहीं होता है। हर एक को अवार्ड देना चाहिए क्योंकि हर एक कोई इस अवार्ड के लायक है। मेरी नज़र में हर एक विजेता है। थैंक यू।